दोस्तों ये है दीघा पुल और ये है मॉर्निंग ड्राइव, यानी घूमने का जगह है। शाम को यहाँ हर कोई घूमने घूमने के लिए आते हैं और काफी मस्त। ये देखिए ऊपर से कितना गजब का अच्छा बेहतरीन दिख रहा है नज़ारा, गजब का लुक दिख रहा है, गजब का लग रहा है। लग रहा है ना पानी, ये देखो ये पहाड़ के जैसा बिल्कुल ऊंच खाल हो जा रहा है। नहीं यार लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा था, ये देख लो आप नज़ारा, इतना डर कभी नहीं लगा था लाइफ में यार। और जितना दोस्तों आज का ब्लॉग जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज आए हम दीघा का मरीन ड्राइव हम लोग आ चुके हैं दीघा मरीन ड्राइव घूमने के लिए और फोटो शूट के लिए। स्पेशल फोटो शूट के नाम से ये फेमस है और देख सकते हैं यहाँ पे कितने लोग आए। और हम अपने पास से लगभग कितना किलोमीटर है जी यहाँ पे, कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर हम लोग आए हुए हैं फोटो शूट के लिए। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है और देखते हैं सभी को पार्टनर का शेयर कराएंगे। अपने घर से 65 किलोमीटर तो आप सभी को घुमाएंगे और यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कौन कौन आया है घूमने के लिए। तो ये रहे हमारे सरकार विनय बाबू और ये रहे अंडर टीम के क्रिएटर डायरेक्टर दोनों, और ये रहे आरिफ बाबू इंजीनियर है। और यहाँ पे सबसे जो है मेन फेमस यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे एज में बहुत फेमस हुए हैं। और ये हमारे जनाब रहे रोशन गुलशन प्रोजेक्टर प्रोडक्शन जो भी बोल सकते हैं आप। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं एंजॉय के लिए, चलिए चलते हैं वहाँ पे फोटो शूट करेंगे और लोकेशन दिखाने वाले हैं और दीघा पुल भी दिखाएंगे आप। वो काफी उसका लुक जो है गजब का है और उसी के नीचे है मनिंग ड्राइव, तो वो भी आप सभी घुमाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं घूमते हैं। और हम लोग के पास कितना बाइक है टोटल? 1 2 3 4 चार गाड़ी से हम लोग आए हुए हैं। तो चलिए आप सभी घुमाते हैं। और इस ब्लॉग को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के बताइएगा ये ब्लॉग कैसे। वाह क्या बात है, गजब का लुक है, देख सकते हैं चारों तरफ खेती ही खेती है और वहाँ पर ट्रेन रुका हुआ है, लग रहा है हम लोग को 11 बजे लगाने वाला है। ऐसे तो हम जितने नहीं देंगे। और इस पुल का खासियत ये है कि नीचे को ट्रेन चलता है, ये देखिए हम लोग जहाँ पे चल रहे हैं इसके नीचे ट्रेन चलती है भाई, और इसके ऊपर गाड़ियाँ चलती है। तो हमने ट्रेन बताया वो ट्रेन इसी पुल के नीचे से होकर चलती है, बहुत ही अजूबा है। काफी लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं, स्टूडेंट्स लेकर हर कोई। और आज जो है 15 अगस्त है, 15 अगस्त के अवसर पे काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है और शाम के समय तो इससे भी ज्यादा यहाँ पे शूट के लिए काफी ज्यादा मजा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे बाइक और रोककर थोड़ा सा हम लोग घूमते फिरते हैं। और ये देखिए ये क्या लुक बनाया हुआ है, पत्थर का बनाया हुआ है, मैं आप सभी को दिखा दूंगा। और ये सारे स्टाफ लोग आ चुके हैं, ये देखिए हाँ चलिए फोटो शूट लेते हैं कुछ। और ये देख सकते हो ये रहा मेरा पटना का पुल, ये अजीत भाई को कंघी चाहिए, देख लीजिए इतने स्मार्ट लगते हुए भी इनको कंघी चाहिए, देख रहे हैं बाल का हुलिया कैसा हो गया है, स्मार्ट लग रहा है मेरा हुलिया एकदम टकला है, इसका देखिए एकदम बाल उल है तब भी खराब लग रहा है।
कंघी रहता तो थोड़ा झाड़ लेते और स्मार्ट लगने लगते हैं, इसीलिए। अच्छा कंघी चाहिए आपको भी चाहिए जी? कंघी का व्यवस्था किया जाए जी, बिना व्यवस्था ही बोल रहे हैं। कंघी का व्यवस्था किया जाए यहाँ पे, क्या रैली निकला हुआ भाई, सबका रैली है भाई। तो हेलमेट सेफ्टी के लिए होता है ना, सफर में है ना। लोग अभी देसी जुगाड़ लगाने वाले हैं हेलमेट का, ये देखिए कितना हेलमेट है, चार एक पांच, पांच हेलमेट है और पांचों हेलमेट जानते हैं देसी जुगाड़ लगने वाला है। वो आ रहा है ताला रबड़, देख लीजिए रबड़ से बहा लिया जाएगा सबको, रबड़ में बहान के एक जगह बहान दिया जाएगा, सब सेफ्टी हो जाएगा। वो आप छह गो हेलमेट ये देखिए ये देखिए क्या बात है भाई, बिक रहा है क्या तो भाई सेफ्टी फर्स्ट, अगर आप सभी कहीं जा रहे हो तो बिना हेलमेट के मत जाना भाई, क्योंकि जान रहा है तो पूरा जहान है, है कि नहीं। और ये गजब का लुक है यार, माने क्या चीज बिना हुआ, ये तार है कि मतलब क्या क्या बना चुका है, नहीं ये तार है कि क्या है, ये न्यू मतलब नए लेवल का सीढ़ी है, ये नए लेवल का सीढ़ी है। अच्छा वीडियो करके जा रहे हैं, कहीं हम लोग गिरेंगे तो बस भाई। आप ये लोकेशन देख सकते हो हम लोग किस तरीके से आ रहे हैं, यार डर लग रहा है उतरने में, स्लिप करेंगे तो नहीं, देखिए पत्थर पत्थर है। बचा बचा बचा, देखो क्या हुआ अजीत बाबू, आ जाइए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये देख सकते हैं पूरा पत्थर जो है बनाया हुआ है और इसके ऊपर जाली बिन दिया गया है, बहुत आने में दिक्कत हो रहा है। और ये देखिए आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, हम देखना चाहते हैं आप किस तरीके से गिरने वाले हैं। अरे चारों आदमी से कहिए कि एक आदमी गिर जाइए, मेरा वीडियो सफल हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ये लोग उतर चुके हैं, बहुत कठिन से दिल को सुकून मिला उतर कर, कुछ अलग लेवल का ही फील हो रहा है। तो भाई अभी जिसको जिसको पाप किया हुआ है सब पे नहा के इसमें पाप कटवा लो, गंगा जी में पाप धो लिया जाए। भाई कौन कौन पाप किया है, हम लोग नहीं किया है, तो यहाँ कोई पाप नहीं किया है इसलिए हम लोग नहीं नहाने वाले हैं उसमें, हम लोग बिल्कुल शुद्ध है। और यहाँ फोटो शूट लेते हैं, फोटो शूट के बाद फिर चलेंगे आगे, और वहाँ पे फोटो शूट, हम लोग स्पेशल फोटो शूट के लिए हम लोग आए हुए हैं दो दो DSLR लेकर, जैसे कि आप देख सकते हो एक DSLR यहाँ पे है और एक DSLR वहाँ पे है, ठीक है। चलिए फोटो शूट करते हैं और आप सभी से फिर मिलते हैं और लास्ट में फोटो लगा देंगे, आप सब फोटो देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से गाड़ी चलता है और नीचे से ट्रेन चलता है, मैं बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ, और नीचे में और नीचे जो है ट्रेन चल रहा है, ऊपर जो है देखिए गाड़ी चलता है, चल रहा है कंटिन्यू, क्या नजारा है, गजब का लग रहा है, वाओ ये नजारा, क्या नजारा है, मानना पड़ेगा किसी इंजीनियर का मन है, लुक दिया है गजब का लुक दिया है यार, कहा अभिनय भैया फेमस हो गए आप। ओ मजा आ गया, तो हम लोग जाने वाले हैं इसको घूमने के लिए नाव पे, और काफी ज्यादा मजा आने वाला है, नाव पे घूमते हैं पहली बार इतने में। अरे भाई DSLR पूरा तैयार रख रहे हैं और हम लोग घूमने जाने वाले हैं बीच दरियाओं में। हम लोग तो है बीच दरिया में जा रहे हैं यार, गजब का लुक लग रहा है, डर लग रहा है, और एक लोग और भाई साहब घूम के आ रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए।
दोस्तों ये गजब का नजारा है यार, बहुत डर लग रहा है। ये देखो भाई कितना नजारा मार रहा है, बहुत गजब का डर लग रहा है। लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा था जितना अभी लग रहा है। लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा था। ये देख सकते हो आप भाई, लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा था। अजीत, ओ अजीत भाई कैसा फील हो रहा है? वाओ, ये लहर गजब का है यार, ये देखो गजब का लहर है। ये पहाड़ के जैसा बिल्कुल ऊंच खाल हो जा रहे नहीं यार, गजब का डर लग रहा है। लाइफ में इतना डर कभी नहीं लगा था नाव पे, इसलिए कि इतना ज्यादा हिलपोर है ना, इतना ज्यादा पहाड़ के जैसा पूरा दिल दहल जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये देखो और हवा बहुत तेज है, बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है और काफी ज्यादा मजा भी आ रहा है। जितना मजा आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा डर भी लग रहा है। जान में जान आया और काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं, जान में जान अभी आया, अभी आके थोड़ा दिल का धड़कन कम हुआ, थोड़ा कम हो गया दिल का धड़कन, अभी कम हुआ भाई, कम हो गया। लहर गजब पर लहर यार, देखो भाई कितना लहर है बीच में, और हम लोग पूरा पार करके यहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग चल रहा है और हम लोग यहाँ पे पूरा किनारा पे आ चुके हैं और हम लोग यहाँ उतरने वाले हैं। अब जाके तसल्ली आया, फाइनली हम लोग बच के आ गए यहाँ पे। तभी चीज को नजदीक से देखते हैं, ये देखिए ये रहा पुल, नीचे से जाती है ट्रेन और ऊपर से जाती है बस यानी कि गाड़ी। कितना गजब का बेहतरीन दुख है और हम लोग इसी सफर में हम लोग घूमे थे। और ये रहा नजारा और उसके नीचे का नजारा, ये रहा वाओ। ये देखिए अभी जब ट्रेन पास हुआ है नीचे से, नीचे को ट्रेन जाता है ऊपर को पहुंच जाता है। आप देख सकते हो यही जो है दीघा घाट है
और मॉर्निंग ड्राइव। तो यहाँ देख सकते हो पूरा हम घूम चुके हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखो। ये देखिए ऊपर से कितना गजब का अच्छा बेहतरीन दिख रहा है नज़ारा, गजब का लुक दिख रहा है। ये सारे लोग जो है घूमने आए हैं और आप शाम को आओगे नाइट में तो ये जो लुक है गजब का दिखता है, इतना गजब का दिखता है जिसका कोई जोर जवाब नहीं। ये दीघा पुल हो गया, इसके नीचे जो ट्रेन चलता है बस चलता है उसके ऊपर, और ये देखिए नज़ारा। मॉर्निंग ड्राइव मेन यही है घूमने का शहर पटना का सबसे मस्त, यानी कि जो आप बम्बे का बीच बोल सकते हो ये पटना का बीच है भाई। ये देख लो बम्बे बीच और ये पटना बीच, आप कमेंट करके बताना कौन सा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मस्त लगा मुझे, आपको कमेंट करके बताना पूरा वीडियो देखकर, ताकि आपको पता चले कि हाँ रियल में भाई घूमने का जगह है। और हम लोग समुंदर भी में भी घूमे हैं, पूरा पूरा घूमे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है।